एवरीबडी, वेलकम बैक टू माइक्रो टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में आपको बता चुकी हूँ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्या होता है, किस किस मेथड से होता है, बट थोड़ा डिटेल मेथड मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा था, तो मैं आपको किसके बारे में बताऊँगी, म्यूटेशन के बारे में, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, मोलिकुलर क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन, कॉन्जुगेशन से कैसे स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट होता है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे म्यूटेशन से कैसे स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट होता है। सो यहाँ पर मैं एक हाईलाइटर ले लेती हूँ। अब म्यूटेशन कैन देयरफॉर बी डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन सिक्वेंस, यानी कि म्यूटेशन क्या है, एक प्रॉपर सिक्वेंस में चेंज होना। ठीक है, यहाँ पर म्यूटेशन को हम किस रेफरेंस में ले रहे हैं, स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के रेफरेंस में लेकर के चल रहे हैं। सो म्यूटेशन क्या है, किसी भी सीक्वेंस में चेंज हो जाना। ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रेन इम्प्रूव करना है तो हम जेनेटिक सीक्वेंस में भी चेंज करेंगे, और जेनेटिक सीक्वेंस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होता है, हमारा डीएनए। ठीक है, और वायरस के केसेस में क्या होता है, कुछ वायरसेस में आरएनए भी होता है। तो जब डीएनए या आरएनए के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है तो वो म्यूटेशन होगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट सिंस इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द, यानी कि ये वो बेसिस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप की फॉर्मेशन के लिए। हमें पता ही है कि जो हमारा डीएनए होता है सेंट्रल डोगमा, हमें पता ही है आरएनए बनाता है, और आरएनए से क्या मिलती है, हमें प्रोटीन मिलती है। सो अगर मैं अपने डीएनए के सीक्वेंस को किसी ना किसी तरीके से चेंज कर दूँ तो मेरे जो उसका इससे बनने वाला आरएनए होगा वो अपने आप बदल जाएगा, और इससे बनने वाला जो प्रोटीन होगा वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा उसकी, यानी कि उसकी इसी तरीके से ये जो डीएनए जिस प्रोटीन जो फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, और वो पर्टिकुलर फंक्शनल प्रोटीन किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इस ऑर्गेनिज्म का पूरा जो फंक्शन है वही क्या हो गया है, बदल जाएगा। सो वापस से आते हैं, म्यूटेशंस जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के हैं, टू टाइप के हैं। कौन कौन से, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। सो म्यूटेशंस जो स्पॉन्टेनियसली होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लो रेट में होते हैं किसी पॉपुलेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, यानी कि बहुत कम मिलते हैं। इट इज़ लो रेट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, विच इज़ पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस। ठीक है, इन नेचुरल पॉपुलेशन, यानी कि जो बैक्टीरिया है, अगर मैं बात करूँ ये नेचुरल सेलेक्शन से जो म्यूटेशन स्ट्रेन्स लेते हैं उनमें स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। मतलब वो ऑलरेडी ही क्या हो चुके हैं, म्यूटेंट बन चुके हैं, और बट हमारे लिए अच्छे क्या हो सकते हैं, स्ट्रेन हो सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, हम ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें कौन सा यूज़ करते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन यूज़ करते हैं। ये इंक्रीज रेट होता है, रेट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय दिस म्यूटेशन। ठीक है, इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है, जो इसमें क्या करते हैं, इंड्यूस कराते हैं म्यूटेजन को। किसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, म्यूटाजन को, म्यूटाजन या फिर म्यूटाजेनिक एजेंट क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूटेशन के लिए, विच कैन आइदर भी फिजिकल और केमिकल, जो फिजिकल भी हो सकता है केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल मेथड कौन से होते हैं म्यूटेशन के, ये है आयनाइजिंग रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। आयनाइजिंग रेडिएशन में आती है हमारी एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, फास्ट न्यूट्रॉन्स, ये सभी क्या हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं। ठीक है, इनके पास क्या है, ये सभी यूज हो चुकी हैं एज अ इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है, और सक्सेसफुली इन्होंने वर्क भी किया है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर यूवी लाइट से जो म्यूटेशन होता है, जो ये वाली म्यूटेशंस, म्यूटाजेनिक रेंज होती है अल्ट्रावायलेट लाइट की, वो कितनी होती है, 200 से 300 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, लो प्रेशर यूवी लैंप्स यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, म्यूटाजेनेसिस के लिए। ठीक है, जिससे म्यूटेशन किया जा सके। ठीक है, ये जो यूवी लैंप होते हैं, लो प्रेशर यूवी लैंप होते हैं, ये लाइट को जो एमिट करते हैं वो किस रेंज में करते हैं, 254 नैनोमीटर के रीजन में, क्योंकि एक मॉडरेट है एक तरीके से, क्योंकि जो यूवी लाइट का जो म्यूटाजेनिक रेंज होती है वो कितनी होती है, 200 से 300 होती है। मोस्टली क्या करते हैं, थाइमिन डाइमर बना देती है, इस वजह से म्यूटेशन आ जाता है। जो प्रॉपर म्यूटेशन है वो मैंने आपको कहाँ बताया, म्यूटेशन की जो सेपरेट वीडियो है उसके बारे में बताया, म्यूटाजेनिक एजेंट्स के बारे में भी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड से कैसे म्यूटेशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे।
केमिकल मेथड में क्या होते हैं, दीज मे बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, ये थ्री ग्रुप्स में हो सकते हैं, दोज दैट कैन एक्ट ऑन डीएनए ऑफ रेस्टिंग और नॉन डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि ये ऐसे कोई भी एक ऐसा केमिकल का ग्रुप है जो क्या कर रहा है, एक ऐसा डीएनए जो खुद को डिवाइड नहीं कर रहा है या फिर रेस्टिंग स्टेज में, उस पर एक्ट करेंगे, उस पर वार करेंगे, ठीक है, या फिर उसको म्यूटाजेनिक बनाएंगे, ठीक है। दूसरा कैसा होगा, डीएनए के एनालॉग्स हो गए, ठीक है, विच मे बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी कि डीएनए के एनालॉग्स मतलब डीएनए के में क्या होते हैं, फोर बेस पेयर बेसिस होते हैं, कौन से, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है। सपोज ये मिथाइलेटेड हो जाएँ, इनमें एक ऑक्सी ग्रुप लग जाए आ करके, ठीक है, या फिर इनका कोई और एनालॉग, केमिकल एनालॉग मिल जाए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, डीएनए में ये इनको रिप्लेस करके क्या हो जाता है, इनका एनालॉग लग जाता है, ठीक है, क्या लग जाता है, इनका एनालॉग लग जाता है। नेक्स्ट है दोज दैट कोज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये वो केमिकल्स भी हो सकते हैं जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कर सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है जो कि किसी भी सिक्वेंस के ऐड होने से या फिर डिलीट होने से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में क्या होगा, जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो कब फॉर्म होता है, फ्रॉम द किस किस में होता है, हालांकि सभी लिविंग थिंग्स में होता है, बट यहाँ पे हम माइक्रोऑर्गेनिज्म किसकी बात करें, बैक्टीरिया, फंजाई, यीस्ट एंड एक्टिनोमाइसिन, ठीक है। व्हेन डिवाइडिंग सेल्स आर कोज टू लूज देयर सेल वॉल, ठीक है, जब जो डिवाइडिंग सेल्स होती है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं इमेज से समझाती हूँ, ये एक बैक्टीरिया है और ये भी एक बैक्टीरिया है, तो ये क्या करने वाले हैं, इसके सेल वॉल का कलर मैं यहाँ बना रही हूँ और ये हो गया इसका सेल वॉल, ठीक है। इसमें भी डीएनए है, इसमें भी क्या है, डीएनए है। सो क्या हो रहा है, फ्यूज़न के टाइम पे क्या होगा, ये अपनी अपनी सेल वॉल को लॉस कर देंगे, यानी कि इनकी जो सेल वॉल है वो रिमूव हो जाएगी, अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगी लाइसोजाइम की वजह से, ठीक है, जो कि क्या है, लाइसोएंजाइम है। अब क्या होगा, इनकी सेल वॉल गई तो ये क्या करेंगे, सेल वॉल लॉस होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, अब इन दोनों का जेनेटिक फ्यूज़न होगा, ठीक है। यानी कि प्रोटोप्लास्ट हम किस से लेते हैं, साइटोप्लाज्म से लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो इनके जो भी जेनेटिक कंपोनेंट होंगे, इनका जो भी साइटोप्लाज्म होगा, वो आपस में क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा और क्या बनाएगा, एक न्यू कंपोनेंट बनाएगा, जिसमें दोनों ही बैक्टीरिया का क्या होगा, जेनेटिक मटीरियल होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो एक न्यू, मैं कहूँ कि पूरा न्यू, कम्प्लीटली न्यू स्ट्रेन हमें मिलेगा, जिसमें क्या होंगे, दोनों के डिज़ायर्ड कैरेक्टर होंगे और हमारा स्ट्रेन इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोलिकुलर क्लोनिंग, या फिर हम कह सकते हैं जीन क्लोनिंग। इसमें क्या होता है, ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस। इसमें भी क्या कर रहे हैं, हम न्यू कॉम्बिनेशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं डिज़ायर्ड जीन लेकर के, ऑफ हेरिटेबल मटीरियल। हेरिटेबल मटीरियल क्या होता है, यहाँ पर हमारा डीएनए, बाय इंसर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल प्रोड्यूस बाय वॉट एवर मीन्स आउटसाइड द सेल्स, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि वो जीन जो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर को कैरी करता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को इम्प्रूव करने के लिए। तो बैक्टीरियल सेल का हम क्या करेंगे, प्लाज्मिड डीएनए लेंगे और उसमें ये वाला जो जीन है ये क्या करेंगे, हम इंसर्ट करा देंगे और इसको क्या कराएंगे, ठीक है, अब हमारे पास सेल में आ गया किसी भी, या फिर वायरस हो गया, ठीक है, वायरस का जीन भी ले सकते हैं, प्लाज्मिड डीएनए मैंने लिखा है, या फिर कोई भी अदर वेक्टर सिस्टम ले सकते हैं जो खुद को इनकॉर्पोरेट, यानी कि इस वाले डीएनए को अपने अंदर लगा सकें, ठीक है। और क्या करेंगे, इनको क्या कर पाएं, करेंगे हम एक किसी बैक्टीरिया में डाल देंगे और ये जो प्लाज्मिड डीएनए या कोई भी और वेक्टर है, ये क्या करेगा, इनकॉर्पोरेटेड डीएनए के साथ खुद को क्या करेगा, डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स बनाएगा, या फिर कह सकती हूँ मैं, एक पूरा न्यू स्ट्रेन बनाएगा हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का नाम तो सुना ही होगा, क्या करते हैं इसमें, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसका डीएनए जब इसके डीएनए के साथ कंबाइन कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट यानी कि अगेन कॉम्बिनेशन बनाना किसी चीज़ का, ठीक है, ये
बैक्टीरिया और का और उसके जीनोम का क्या था, पहले कॉम्बिनेशन था, लेकिन हमने इस वाले बैक्टीरिया बैक्टीरिया वन का और बैक्टीरिया टू के डीएनए को कंबाइन कर दिया और एक न्यू जो बनाया है डीएनए उसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, द बल्क वर्क ऑफ वर्क डन सो फार हैज़ बीन विद ई कोलाई, इनके बहुत सारे ई कोलाई पर वर्क हुआ है। ठीक है, एज द रिसिपियंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बदली जाती हैं वो मोस्टली ई कोलाई पे हुआ है। डिस्क्राइब, ये यहाँ पर कुछ मैंने आइटम्स दिए हुए हैं, स्टेप्स दिए हुए हैं कि जो कि विट्रो रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होती हैं। पहला है ये क्या है, डिसेक्शन अ स्पेसिफिक प्रोटीन फ्रॉम द डीएनए ऑफ डोनर ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या करेंगे हम, पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म का डीएनए लेंगे जो हमारे डिज़ायर्ड जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है, जो हमें अपने न्यूली जिस स्ट्रेन को हम बैक्टीरिया के इम्प्रूव कर रहे हैं उसमें इंट्रोड्यूस कराना है। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ द स्प्लाइज डीएनए, ठीक है, यानी कि जो हमने पहले डीएनए डिस अटैच किया था उसको क्या करेंगे, दोबारा से अटैच करेंगे अपने जो भी वेक्टर है उसके अंदर। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, विच कैन बी फ्रॉम आइदर अ बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड, चाहे वो बैक्टीरियोफाज में डालें हम या फिर प्लाज्मिड में डालें। देन ट्रांसफ़र ऑफ वैक्टर अलोन विद द टेस्ट डीएनए, देन हम क्या करेंगे, जो वैक्टर है यानी कि जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है वो उसको क्या करेंगे हम डीएनए के साथ अटैच करेंगे, द डीएनए किमेरा, ठीक है, फ्रॉम द होस्ट सेल में। नेक्स्ट है आइसोलेट करेंगे और रिकॉग्निशन भी कहते हैं हम इसको, सेल को सक्सेसफुली कि उसमें जो प्रॉपर हमारा डीएनए है वो रिकॉम्बाइंड हुआ है नहीं हुआ है, एंड मेंटेन करेंगे उस वेक्टर को एंड इस अटैच डीएनए को, यानी कि जो दोनों भी डीएनए हमने यूज़ किया उनको हम क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए स्टोर करके अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पहले भी बता चुकी हूँ, सेपरेट वीडियो भी मिल जाएंगे इसके भी। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल मीन्स ऑफ, यहाँ पर ये मीन्स ऑफ अ बैक्टीरियोफाज, यानी कि एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया जब इसका डीएनए इस वाले बैक्टीरिया में जाएगा किसी वायरस की हेल्प से, यानी कि पहले वायरस में जाएगा फिर दूसरे बैक्टीरिया में चल जाएगा, तो उसे हमें ट्रांसडक्शन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस अ फाज अटैच टू एंड लाइसिस द सेल वॉल ऑफ होस्ट, यानी कि पहले अटैच होगा इस वाले बैक्टीरिया से, इसमें इन्फेक्शन कोज करेगा और फिर इसकी सेल को बस्ट करके बाहर निकलेगा और क्या करेगा, इट इज़ इंसर्ट इट्स डीएनए इनटू होस्ट और देन ये क्या करेगा अपनी इसके इस वाले बैक्टीरिया के डीएनए को इस वाले बैक्टीरिया में इंसर्ट करा देगा। सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से ट्रांजेक्शन उसमें बताया हुआ है कि कैसे होता है बोर्ड प्रेजेंटेशन की हेल्प से। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये है चेंजिंग इन जेनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बैक्टीरियम, ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ बहुत ही, ये एक बैक्टीरिया है, जब इसका जेनेटिक मटेरियल ये वन है ये टू है, बैक्टीरिया टू में ट्रांसफ़र हो रहा है नेक्स्ट, कोई वायरस नहीं किसी की भी हेल्प से नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हो जा रहा है और कौन सी, दूसरे बैक्टीरिया की सेल्फ में, जो बैक्टीरिया डोनेट करता है अपने डीएनए को उसे क्या कहते हैं, डोनर डीएनए, जो रिसीव करता है उसे कहते हैं रिसिपिएंट डीएनए। नेक्स्ट होता है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व सेल और सेल कॉन्टैक्ट और थ्रू सेक्स पिलाई, यानी कि ये एक बैक्टीरिया है ये एक बैक्टीरिया है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, जो बैक्टीरिया के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है जिसे हम पिलाई कहते हैं, ये क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी और अटैच हो जाएगी दूसरे बैक्टीरियल सेल से, और जो इसका जेनेटिक मटीरियल है सेक्स पिलाई के थ्रू कहाँ चले जाएगा, दूसरे बैक्टीरिया में चल जाएगा। कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स अ डोनर सेल विच कॉन्टैक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड एंड रिसिपियंट सेल विच डज नॉट, ठीक है, ये स्पेशल टाइप की सेल्स में होता है, जो डोनर सेल होती है उसे उसमें क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, इसलिए इसको एफ, जिसमें ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होता है उसे एफ प्लस सेल्स कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसे एफ माइनस, सो एफ प्लस सेल ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड किस में ट्रांसफर करती है, एफ माइनस सेल में, और बाद में किस में बदल जाती है, एफ पॉजिटिव में ही बदल जाती है। कॉन्जुगेशन ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो मैंने पहले ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप उसको भी जा करके देखें जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट बात ये कि आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.